बॉबी जी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अक्षय कुमार का नेक काम, ओडिशा पर इन तूफान पीड़ितों के लिए दान किए करोड़ रुपए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के चलते खूब सुर्खियों में रहते हैं। फिल्मों के साथ साथ अब की कई नेक कर्मों के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार सोशल मीडिया वर्क में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि अक्षय हमेशा अपने सामाजिक कार्यों को मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके नेक कामों की खबरें मीडिया में आ ही जाती है। बीते दिनों पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के लिए अक्षय कुमार ने 5 करोड़ की मदद की थी। वही अब खिलाड़ी ने फैली तूफान पीड़ितों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने पीड़ितों के लिए सीएम राहत कोष में करोड़ रुपए दान किए हैं। अक्षय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री कोष में ये राशि जमा कराई गई है। इससे पहले चेन्नई और केरल में आए बाढ़ के वक्त भी अक्षय आगे आए थे। चेन्नई बाढ़ के दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान किए थे। वहीं केरल में बाढ़ के वक्त उन्होंने मोटी रकम दान की थी। पिछले दिनों अक्षय ने एक चैरिटी इवेंट में 100 दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए दिए। दबंग 3 में इस बार मुन्नी नहीं बल्कि मुन्ना होगा बदनाम, खुद सलमान मचाने वाले हैं धमाल। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जल्द ही पर्दे पर अपनी दबंगई दिखाने आ रहे हैं। फिल्म दबंग 3 की शूटिंग बीते दिनों से ही चल रही है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग सलमान की बर्थ प्लेस इंदौर के पास हुई है। फिल्म शूटिंग का पहला शेड्यूल वहां करीब 15 दिन तक चला है। वहीं इसके बाद अब इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म में सलमान के साथ रज्जो के तौर पर फिर से उनके साथी सोनाक्षी सिन्हा नजर आने वाली है। सोनाक्षी और सलमान की जोड़ी इस फिल्म के जरिए पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। वहीं इस फिल्म को मेकर्स हर लिहाज से बेहतर बनाना चाहते हैं। फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद संभाल रहे हैं। ये जोड़ी पहले भी इस सीरीज के गानों को दे चुके हैं। खबर के मुताबिक इस फिल्म से फिर से दबंग के गाने मुन्नी बदनाम को रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप कुछ सोचें, उससे पहले ही आपको बता दें कि इस बार काफी कुछ बदलाव आने वाला है। दरअसल इस बार मुन्नी नहीं बल्कि मुन्ना बदनाम होने वाला है और मुन्ना को पक्का बदनाम करने की जिम्मेदारी खुद सलमान ने ली है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।